दर्जनों विक्टिम्स जिनमें नाबालिग भी शामिल हैं, उनको ब्लैकमेल करके उनसे सेक्सुअल वीडियोस बनवाई। विक्टिम्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उनसे वीडियोस बनाए गए। चाकू छुरी चलाना बहुत आसान है, कलम चलाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। तूने कहा तूने किसी को देखा? तुम सच में कुछ नहीं जानते। क्या सुनील शेट्टी लेने वाले हैं बड़ी छुट्टी? किसने मना कर दिया बलवान 2 के लिए? क्या सलमान का कैमियो होगा सबसे पहले शूट? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। 120 से भी ज्यादा फिल्में करने वाले सुनील शेट्टी काफी फैमिली ओरिएंटेड हैं। सुनील शेट्टी खुद मानते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हैं और उनके लिए सबसे ऊपर उनकी फैमिली आती है। हम आपको बता दें कि सुनील शेट्टी अपने पिता लेट वीरप्पा शेट्टी से सबसे क्लोज थे। उनके पिता को 2013 में पैरालिसिस का अटैक आया था, जिसके बाद वो कभी ठीक नहीं हुए। उनका देहांत 2017 में हुआ, जिसके बाद सुनील शेट्टी टूट से गए। ये 3 से 4 साल के लिए सुनील शेट्टी बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग थे और उन्हें कुछ भी काम करने का मन नहीं होता था। उनकी इन सालों में मुश्किल से 2 या 3 पिक्चर आई थी जो पहले ही शूट हो चुकी थी। सुनील ने ये भी बताया कि उन्होंने कुछ 20 से 25 फिल्मों को मना कर दिया था, क्योंकि वो सारा टाइम अपने पिता के साथ रहना चाहते थे। उनके देहांत के बाद सुनील ने खुद को संभाला और फिर से पिक्चरों की लाइन में आ गए। लेकिन उस टाइम में उन्हें बहुत सारी चीजें पता चली, जिसमें सबसे कीमती चीज है उनकी फैमिली। इसीलिए अब जब सुनील हेरा फेरी 3, बलवान 2 जैसी मूवीज कर रहे हैं, तो उन्होंने एक डिसीजन लिया है। वो ये है कि बलवान 2 के बाद सुनील कुछ समय प्लैंड सेबेटिकल लेने वाले हैं। अगर आप नहीं समझे तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि सुनील बलवान 2 के बाद कुछ समय के लिए फिल्मों से ब्रेक लेकर अपनी बीवी और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। बलवान 2 और हेरा फेरी 3 दोनों ही उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट मूवीज होंगी, क्योंकि बलवान और हेरा फेरी ने उनका करियर जो संभाला था, इसीलिए वो इन्हें तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हाँ उसके बाद वो जरूर थोड़ा टाइम ऑफ लेंगे। सुनील इस कोविड के टाइम में भी बहुत काम कर रहे थे, फिर भले ही उनके दूसरे बिजनेस क्यों ना हो, लेकिन बलवान 2 के बाद वो थोड़ी शांति चाहते हैं। हाँ, वो बलवान 2 की शूटिंग जल्दी नहीं खत्म करना चाहते, लेकिन ये जब भी होगा उसके बाद आपको सुनील शेट्टी को फिल्मों में दोबारा देखने के लिए रुकना पड़ेगा। बलवान के डायरेक्टर दीपक आनंद ने ही मना कर दिया है इसके सीक्वल के लिए। दीपक की लास्ट मूवी थी द रैली, जो कि 2017 में रिलीज हुई थी। वो खुद ही इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर थे। दीपक की माने तो बलवान एक कंप्लीट मूवी थी, उसके दूसरे पार्ट की कोई गुंजाइश नहीं है, और ऐसे में सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बलवान 2 को बनाया जा रहा है। दीपक की माने तो सीक्वल की लहर उठ चुकी है और बॉलीवुड में हर एक्टर बस अपने कमबैक के लिए ये सब करता है, लेकिन दीपक के हिसाब से बॉलीवुड को सुधारने की बहुत जरूरत है। ऐसे में जब साउथ की मूवीज जैसे बाहुबली, KGF, पुष्पा जैसी कहानियां बना रहे हैं जिसके सीक्वल बन सकते हैं, वैसे ही बॉलीवुड को भी कुछ नया करना होगा। सिर्फ स्टार या मूवी के नाम पर ही नहीं दर्शकों को अट्रैक्ट किया जा सकता। जब शाहरुख खान का नया साईफाई एक्सपेरिमेंट रावण फेल हो सकता है, आमिर खान और अमिताभ बच्चन स्टार ठग्स ऑफ हिंदुस्तान फ्लॉप हो सकती है, तो बलवान 2 से कैसे कोई उम्मीद लगा सकता है? ऐसे में बॉलीवुड को स्ट्रेटजी कॉपी नहीं नई बनानी होगी। दीपक ने ना आज तक कोई सीक्वल डायरेक्ट की है और ना ही करेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया कि सलमान खान अपने क्लोज फ्रेंड सुनील शेट्टी की इस मूवी में देने वाले हैं कैमियो। जी हाँ दोस्तों, सलमान के खुद के पास बहुत से सीक्वल्स लाइंड अप है। नो एंट्री 2, किक 2, वांटेड 2 कुछ ऐसे ही नाम है। इसीलिए सलमान पहले बलवान 2 में कैमियो की शूटिंग खत्म कर लेना चाहते हैं। उन्होंने पहले भी टाइगर 3 से पहले पठान में अपने कैमियो को शूट कर लिया है। ऐसा इसीलिए करते हैं भाईजान, ताकि उनकी वजह से कोई रुका ना रहे। वही कैमियो कर अपनी शूटिंग में बिजी हो जाते हैं, बस इसीलिए बलवान 2 के लिए भी उनका शेड्यूल सबसे पहले रखा जाएगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज को। अगर आप भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।